अष्टमी का जो व्रत करेंगे, जो भगवती को खुशा देंगे, उसके लिए चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल से हो चुकी है। ऐसे में सनातन धर्म में नवरात्र को विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही साथ नवरात्र के 8वें दिन महाअष्टमी का व्रत बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। हालांकि इस दिन महिलाएं माँ दुर्गा को खोइछा भरती हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना पूर्ण होने की कामना करती हैं। ऐसे में इस चैत्र नवरात्र में महाअष्टमी का व्रत किस दिन होगा और महिलाएं खोइछा किन चीजों से भर सकती हैं, आइए हम चैत्र नवरात्र का अष्टमी कब है और इस दिन खोइछा भरने का क्या महत्व होता है, किन चीजों से भरना चाहिए। चैत्र नवरात्र का अष्टमी 16 तारीख को है, मंगल दिन। 15 तारीख के रात में जिस दिन छठ का प्रातःकालीन अर्घदान है, उसी रात निशा पूजा हो जाएगा। लेकिन अष्टमी का जो व्रत करेंगे, जो भगवती को खुशा देंगे, उसके लिए मंगलवार 16 तारीख का तिथि निर्धारित है। किन चीज़ों से भरना चाहिए खोइछा और क्या शुभ मुहूर्त वगैरह भी है इसके? खोइछा मंगलवार को द्वितीया अर्धपहरा है तो 9 बजे से लेकर 1:30 बजे दिन तक भगवती को खोइछा दान करना चाहिए। लाल कपड़ा में पान, सुपारी, हल्दी, मिठाई, दुर्वा, अरवा चावल, कुछ द्रव्य, केला आदि देकर खोइछा भरना चाहिए। इससे क्या कुछ फायदे होते हैं और क्या मनोकामना? भगवती की कृपा बनी रहती है। जो मनोकामना से भगवती को खोइछा अर्पण करता है उसको उसकी प्राप्ति होती है और वह पुनः प्रसन्नता पूर्वक माँ को खोइछा दान करता है। तो ये खोइछा कोई भी भर सकती है महिलाएं? कोई भी महिलाएं भर सकती है, निश्चित भर सकती है। कोई भी महिलाएं भर सकती हैं, कुमारी स्त्रियां भी भर सकती हैं? कुमारी स्त्रियां तो दूसरा चीज करती है, खोइछा नहीं भरती। खोइछा नहीं भर सकती है। इस दिन कोई शुभ मुहूर्त, शुभ समय किस टाइम में भरे खोइछा? समय तो मैं पहले बता दिया, 9 बजे से 1:30 बजे तक। दिन में या रात में? दिन में रात में नहीं भरा। लेकिन अक्सर कई महिलाएं इधर उधर मंदिर में शाम में जाके खोइछा भरती हैं। वो भर देती है तो उसकी अपनी इच्छा है, शुभ मुहूर्त में भरना चाहिए। अच्छा, माता का पूजा तो आप कभी भी कर सकते हैं, माता तो माता है, लेकिन शुभ मुहूर्त विधान यही कहता है। परिचय बता दें। दयानाथ मिश्र, पूर्णिया।